प्रधानमंत्री जी रात को उनके पास इतना खाली समय होता है कि वो साइट तक देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एनपीए के तहत देश की सरकार ने किसका कर्जा माफ किया? क्या डरते हैं, बोलिए। उद्योगपति का माफ किया। उद्योगपति का नाम बताइए, उद्योगपतियों को मत बोलिए उद्योगपति। सिर्फ एकमात्र अंबानी जी का कर्जा माफ किया, वो भी कितने का? 3,16,500 करोड़ रुपए का कर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंबानी का माफ किया। किसान के कर्जे के लिए जब बात आती है तो सरकार ऐसे मुंह फुला के दिखाती है। अगर मोहित जी मान लेते हैं ये बात कि इनको कांग्रेस से दलाली मिलती है तो मैं भी मान लूंगा। ताजी इस सवाल का जवाब दें, आप इस सवाल का जवाब देंगे? मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए, झूठ बोलने में नंबर वन है। पहले बच्चों से एक बात, अपने बच्चों से चाय बिकवाएंगे या पकौड़ा तलवाने को रोजगार समझेंगे? क्यों बच्चों को स्कूल भेजते? चाय पकौड़ा तलवाइए अपने बच्चों से और चौकीदारी करवाइए। देश की सरकारें आज घबराई पड़ी है इस आंदोलन के जरिए, और आप कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं है। इसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम जगहों पर है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो विदेशी दौरों तक जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी रात को उनके पास इतना खाली समय होता है कि वो साइट तक देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि देश के अन्नदाता, देश के पालनहार जो 133 करोड़ जनता का पेट भर रहे हैं, जिसे पालनहार कहा जाता है, उस अन्नदाता से एक बार मिलने के लिए आ जाएं। 27 सितंबर का आज के दिन किसान संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ये फर्ज नहीं समझा कि रात को वहां पर साइट पर जा सकते हैं। क्या रात को आके एक बार किसान भाइयों से नहीं मिल सकते कि आपको तकलीफ क्या है, आपको दिक्कत क्या है? वहाँ कमला हैरिस के सामने जाके बैठ जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि वो भारत देश की मूल नागरिक की बेटी, जिसके लिए वहां पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार और उसी के आगे वहां पर जाके बैठना पड़ा। लेकिन ये हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश की बेटी देश में नहीं विदेश में भी परचम लहरा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के किसानों को भी सड़क पे बिठा रहे हैं और किसान को लेकर विदेशों तक से ट्वीट आए। लेकिन मजाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को टस से मस हुए हूं। आपने कहा देश की सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है जी, अगर डरी हुई है तो आंदोलन को खत्म करने के लिए आपकी बातें मान लेती ना। ये आंदोलन अगर सरकार के हाथ में होता तो सरकार 2 मिनट में कर देती। सरकार को तो चलाने वाले ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिन्हों से सरकार पहले ही इस देश के किसान की जान का सौदा कर चुकी है, इनके हाथों पहले ही सरकार बिक चुकी है व्यापारियों के हाथों। आज आप एक बात मुझे बताइए, सीधे तौर पे आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाए या नहीं खुलवाए? आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषणों में बोलते हैं कि 125 करोड़ की आबादी, 125 करोड़ की आबादी। अब हम आपसे कहते हैं कि जनधन खाते के तहत 125 करोड़ पर न जाकर 50 करोड़ की बात कर लेते हैं। 50 करोड़ लोगों ने अगर जनधन खाते के तहत अपना अपना खाता खुलवाया तो आप एक बात मुझे बताइए कि टोटल खाते में कितना पैसा आया, आप इस बात को मुझे बताइए। टोटल आया जितना भी आप लगाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 की 500 से कि कितना पैसा है, जीरो लगाते रहिए जितनी आप पे जीरो है। लेकिन एनपीए के तहत देश की सरकार ने किसका कर्जा माफ किया? किसका कर्जा माफ किया, बोलिए ना। आप क्या डरते हैं, बोलिए। उद्योगपति का माफ किया। उद्योगपति का नाम बताइए, उद्योगपतियों को मत बोलिए उद्योगपति। सिर्फ एकमात्र अंबानी जी का कर्जा माफ किया, वो भी कितने का? 3,16,500 करोड़ रुपए का कर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंबानी का माफ किया। किसान के कर्जे के लिए जब बात आती है तो सरकार ऐसे मुंह फुला के दिखाती है, सरकार ऐसे ड्रामा करती है, सरकार किसान को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चना क्या दे देती है, उस पे एहसान दिखाती है। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार जो एमएसपी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए क्यों नहीं लागू कर देती? डरती है सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एमएसपी लागू कर दे आज? और ये 3 लाख करोड़ वाली जो बात है वो यहीं तक खत्म नहीं हुई है, ये 3 लाख करोड़ वाली बात बहुत लंबे सिरे तक चलती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद इस देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया काला धन के तौर में रूप में भारत में आया। तो एक बात आप मुझे बताइए, हूं तो बड़ी तेजी से कर रहे हैं आप, अगर 3 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी के बाद इस देश के अंदर वापस आया तो 1 लाख करोड़ रुपया हमें जापान से मेट्रो के लिए क्यों वापस देना पड़ा? इस सवाल का जवाब आप में से कोई पत्रकार मुझे दे दे, बताइए। आज किसान सड़क पे बैठा है, हम किसान के लिए जस्टिस की मांग करते हैं, एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाए उसके लिए जस्टिस की मांग करते हैं, हम कब तक ये कहते रहेंगे वी वांट जस्टिस है? हम ऐसी सरकारों को चुनते हैं क्यों है कि जिनके आगे हमें गिड़गड़ाना पड़े? सुनिए जी, आप जस्टिस की बात नहीं करते जी, आप टिकट की बात करते हैं कांग्रेस से जी या सपा से जी। अच्छा, टिकट चाहिए ना? अच्छा, उसके लिए रोड पे। आपके पिताजी ने आपको कितना पढ़ाया है,
अपना नाम बताइए था, मिथिला से पूछ रहा हूँ और सभी लोगों से कहूंगा इनके एक बार डिग्री तो आप लीजिएगा। आपके पिताजी ने आपको कितना पढ़ाया है? आज यहाँ पर भारत बंद के लिए आए, टिकट दिलवाने के लिए आए हैं? आप डिप्टी मजिस्ट्रेट लगे, कलेक्टर लगे हैं? अरे सुनिए, मेरे सुनिए, आप कितने टाइम से मेरी इंटरव्यू कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं आप मुझे? आप एक बार बताइए, 20 साल की उम्र में किसको टिकट मिलता है, जरा ये बताइए आप मुझे, आप बताइए। बोला कि अभी आप टिकट लेने चाहते हैं। अरे भैया मैंने आपसे पूछा 20 साल की उम्र में टिकट मिलता है, कितनी साल की उम्र में मिलता है? वेट करेंगे, 4 साल के बाद लेंगे आप उन्हें टिकट की। अगर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, टिकट का भी अगर आपसे पूछ लो तो आपको ये भी नहीं बताओगा। आप सभी चुप रहिएगा, मिथिला मुझे सवाल का जवाब देंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, चलिए ये बता दीजिए। राष्ट्रपति का 35 साल है, तो आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए? क्यों नहीं पता आपको? आप तो पत्रकार हैं। अरे आप तो पत्रकार हैं, आपको तो बहुत ज्ञान। आप एक बात, आप सरकार की चाटुकारिता करते हैं, आपको सरकार से दलाली मिलती है, ये भी आप ही के व्यूअर्स कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी आप ही के व्यूअर्स कहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से दलाली मिलती है, तो क्या दा मिथिला इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपको सरकार की चाटुकारिता करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष और भाजपा के पक्ष में दिखाने के लिए आपको दलाली मिलती है? आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके व्यूअर्स इस बात को लिखते हैं? आज ये सामने जी आइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी चैनल पे देख रहे हैं, अगर मोहित जी मान लेते हैं ये बात कि इनको कांग्रेस से दलाली मिलती है तो मैं भी मान लूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए, अभी ये बोल के गए बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे को तो कोई दलाली नहीं मिलती। आज इस सवाल का जवाब दें, आप इस सवाल का जवाब देंगे कि जब 3 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी के बाद वापस आया तो 1 लाख करोड़ रुपया जापान से क्यों उधार लेना पड़ा, बताइए। अब नहीं बोलेंगे आप, देशित में लेना पड़ा, देशित में 1 लाख करोड़ रुपया था तो 3 लाख करोड़ कहाँ गया ये बता दीजिए, देशित में है? आपने बात करी मेक इन इंडिया, नागपुर गए कभी? नागपुर में मेट्रो अभी तो हाँ कर रहे थे, मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए, झूठ बोलने में नंबर वन है, पहले नंबर पे आपका नाम वो भी तो आप, अरे सुनिए चुप रहिए, मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए, नागपुर के अंदर आप गए, नागपुर के अंदर जो मेट्रो बनी है उस पर क्या लिखा होता है? लिखा है इस पे मेड इन इंडिया है, लिखा है इस पे मेड इन इंडिया, प्लस बहुमत की सरकार दी है, ये घास काटने के लिए दी है हेमा मालिनी ने। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आप विरोध क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मेरा देश है, आपसे पूछ के विरोध करूंगा। हेमा मालिनी सुन तो लीजिए, हेमा मालिनी गेहूँ काटने के लिए आती है, आप तो नहीं आ रही हेमा मालिनी गेहूँ काटने के लिए है? आप कभी गए हैं कहाँ गेहूँ काटने? अरे मेरी बात छोड़िए, मेरी सुनिए, सुन तो लीजिए, तो क्यों नहीं पूछ सकते? आपको तो बड़ी दर्द हो रहा है, आपके दिल में इतना दर्द उठ रहा है कि मैं सवाल मोदी जी से, हेमा मालिनी से, उनके सांसदों से ना पूछ के आपसे पूछूं है? मेरे देश के एमपी है, मेरे देश के, और मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछूंगा? आप होते कौन है? अरे भैया आप होते कौन है? आपको एक बात मुझे बता दो, क्यों पूछेंगे? मैं तो अपने हिंदुस्तान के लिए पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा? मैं अपने देश के किसान के लिए पूछूंगा, किसान यहाँ खड़े हुए हैं, आपको बड़ा मजा आता है क्योंकि आपको इतना दर्द हो रहा है, मोदी जी से ज्यादा दर्द और तकलीफ आपके सीने में हो रही है। आज अगर मोदी जी को गलत बोल रहे, क्यों राहुल गांधी को आप बोलिए? अरे राहुल गांधी है कौन, बताइए, चलिए बताइए कौन है राहुल गांधी? तो आप ही बताएंगे आप? नहीं मुझे तो नहीं पता राहुल गांधी कौन से विपक्ष के नेता है भैया। राहुल गांधी, ये राहुल गांधी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, बताइए मुझे, बताइए आपके पार्टी के, हम क्यों बताएं? अरे मेरी काय की पार्टी, अगर सुनिए इस बात के लिए आप दिखाइए कि मेरे पास कौन सा पोस्ट है, वरना मैं आप पे और आपके चैनल पे मानहानि का मुकदमा ठोकूं। तैयार है इस बात के लिए, झूठ बोलेंगे तो आप पे मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। जानते हैं मानहानि का मुकदमा क्या होता है? है? तो वकील आप हैं, आप बताएं। नहीं नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, आप पे ठोका जाएगा मानहानि का मुकदमा अगर बेवजह बेफिजूल की बातें और बेप्रत्यारोपण जिसका कोई तर्थ ना हो, क्योंकि आप भी मोदी स्कूल से पढ़ के हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है इसमें। वरना आप एक बार चलिए अपने एक बार इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए, एक मिनट अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए, सब सुनना चाहते हैं। चलिए मैं चुप हो गया, सुनिए, क्योंकि मेरे को संबित पाता है, कचड़ कचड़ करने की आदत नहीं है, कोई सड़क छाप रोड साइड की डिबेट नहीं, अपनी डिग्री का नाम बताइए, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं? ये सुनिए, ये हाथ में पोर्टल चैनल का माइक ले लेने से, और अभी देखा था ना कैसे बड़े नेशनल चैनलों की वहां धज्जियां उड़ रही है, जैसे उनको बाहर करा, गेट आउट, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है आप जैसे पत्रकारों के लिए भी जो सरकार की दलाली करते हैं, आपको भी एक दिन ऐसी गेट आउट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक बात बताइए, आपने सुनिए, अपने बच्चों से सुनिए, अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं ना, आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं आपके, दलाली करते हैं, आपको भी एक दिन ऐसी गेट आउट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक बात बताइए, आपने सुनिए, अपने बच्चों से सुनिए, अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं ना, आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं आपके,